नमस्कार। जी हाँ, गर्मी और उमस से लोगों से परेशान राजस्थान के लिए अब अच्छी खबर है। यानी राजस्थान में अब जल्दी मानसून बारिश को लेकर बड़ी खबर है। यानी अब जल्दी भारी बारिश होने का इंतजार अब खत्म होने वाला है। यानी राजस्थान में अगले 2 दिनों के बाद भारी बारिश का दौर शुरू होने का आसार है। इसका कारण एक नया है जो कि साइक्लोन सर्कुलेशन सिस्टम बनने के कारण। इस सिस्टम से भरतपुर, कोटा, जयपुर संभाग के जिलों के लिए भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें, मौसम विभाग के मुताबिक आज हमें कई जिलों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिस कारण यानी नागौर सहित कई जिलों में बारिश देखने को मिली है। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार 17 व 18 जुलाई को उत्तर व पूर्वी राजस्थान के आसपास एक परिसंतंत्र बना हुआ है, जिससे राज्य के पूर्वी भागों में बारिश की गतियों में बढ़ोतरी होगी। इसी प्रभाव से आपको बता दें, भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग के जिलों में 17 से 19 जुलाई को कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना, जबकि 18 जुलाई को यह सिस्टम का असर सर्वाधिक रहने में यहाँ पर भरतपुर या जयपुर, कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश से अति भारी बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर बिजली गिरने के भी साथ ही चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। आगामी 48 घंटों के दौरान केवल 1-2 हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के विशेष भागों में मौसम मुख्यतः साफ महसूस करने के साथ ही आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य में कहीं कहीं वज्रपात होने के यानी बिजली गिरने की मौसम विभाग ने चेतावनी दे रखी है। आपको बता दें, 18 को मौसम व 17 को मौसम कैसा रहने वाला है, तो आपको बता दें मौसम विभाग के मुताबिक एक नया सिस्टम बनने से पूर्वी भागों में बारिश में गतिविधियाँ तेजी आएगी। इसी प्रभाव से आपको बता दें, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना, जबकि 18 जुलाई को सिस्टम का असर सबसे ज़्यादा रहेगा जो कि भरतपुर व जयपुर जिलों में रहेगा, जहां पर सबसे ज़्यादा 100 mm तक बारिश यहां पर जा सकती है। मौसम विज्ञान की माने तो अगले 2 से 3 दिनों के बाद राजस्थान में जल्दी भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। राजस्थान मौसम से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।